वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में लिस्ट क्या होती है उसके बारे में समझेंगे और ये कैसे क्रिएट की जाती है और इसका क्या क्या यूज होता है और किस तरीके से हम लिस्ट में आइटम स्टोर करा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज लिस्ट के बारे में समझ में आ जाए कि आखिर ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट है क्या। राइट, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपने ए की वैल्यू यहाँ पर 10 कर ली, राइट, और फिर से आपने ए इज इक्वल टू 12 कर लिया और अगर आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं ए की वैल्यू, राइट, तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, 10 या 12 या 10 और 12 दोनों। तो कुछ लोगों का आंसर होगा 10, कुछ लोगों का आंसर होगा 12 और कुछ लोगों का आंसर होगा 10 और 12 दोनों प्रिंट करेगा। तो हम आपको बता दें कि एक सिंगल वेरिएबल एट अ टाइम सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, राइट, और ये टॉप डाउन अप्रोच में चलता है। तो 10 कभी हुआ करती थी, अब करंट वैल्यू क्या है इसकी, 12, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 12, राइट। नाम दे देते हैं लिस्ट। तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू आ गई 12। अगर मान लीजिए फिर से यहां पर आप ए की वैल्यू आप 20 कर देते हैं तो अब अपडेटेड वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 20, राइट। अब देखिए, अब प्रिंट कराने के बाद ए की वैल्यू आप मान लीजिए 13 कर देते हैं, राइट, तो ए की वैल्यू 13 तो हो जाएगी लेकिन आपने प्रिंट तो पहले ही करा ली ना, तो वो 20 ही प्रिंट करके दिखाएगा, जबकि अगर आप दोबारा प्रिंट लगाते हैं तब वो आपकी 13 वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। समझ रहे होंगे कहने का मतलब क्या है हमारा। देखिए रिजल्ट तो 20 आ रहा है लेकिन अगर अब ए की वैल्यू प्रिंट कराएं तो आपको 13 मिल रही है, राइट, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो 13 हो गई ना लेकिन प्रिंट भले आपने उसको पहले करा लिया, समझ रहे हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए तो आपको 20 और 13 दोनों प्रिंट करके दिखाएगा, राइट। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक बार में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं, राइट। तो यहीं पे सोचा गया कि अगर मान लीजिए हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से तो वेरिएबल्स हमारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोचा गया कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल डेटा स्टोर किया जा सके। बस यहीं से उत्पत्ति हो जाती है आपकी लिस्ट की, राइट। तो देखिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें करना ये होता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं सपोज, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। देखिए लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे वो हम आपको बता दें। यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, राइट, और 10, 20, 30, 40, 50, मान लीजिए आपने 5 एलिमेंट स्टोर करा लिए, राइट, लेकिन वेरिएबल कितने लिए आपने, 1, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा, राइट, और जितने भी एलिमेंट आप चाहें उसमें स्टोर करते हैं, राइट। अब अगर आप एक ही वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट प्रिंट करके दिखा देगा। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, राइट, आप चाहें इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। आपने सपोज यहाँ पर 60 कर लिया, 70 कर लिया, राइट, अब प्रिंट करा लीजिए, देख रहे हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट उसमें ऐड होते जा रहे हैं लिस्ट में, लेकिन आपको वेरिएबल कितने जरूरत पड़े, 1। अब आप चाहते हैं कि एक साथ ना प्रिंट हो, एक एक करके प्रिंट करें, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर लूप चला सकते हैं, इसको कमेंट में कर लीजिए, यहाँ पर आप लूप चला लीजिए, फॉर आई इन ए, राइट, और यहाँ पर कर लीजिए प्रिंट आई की वैल्यू। तो ये क्या करेगा, हर एक लाइन में एक एक एलिमेंट इसके प्रिंट कर देगा, राइट। अब रन करा लीजिए, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, राइट। अच्छा,
अगर आप रेंज फंक्शन का यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, आई इन रेंज कर लीजिए और यहाँ पर लेन फंक्शन का यूज कर लीजिए और यहाँ पर लिस्ट का नाम पास कर दीजिए और यहाँ पर क्या करिए ए ऑफ आई पास कर लीजिए, राइट। तो ये क्या करेगा, ये उस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करता रहेगा, राइट। रन करा लीजिए तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है ना। आप इस तरीके से भी इसको प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि लिस्ट का नाम ए है और उसके इंडेक्स पर पहली बार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वैल्यू प्रिंट कराता रहेगा, राइट। देखिए इसकी कुछ खास बात भी समझ लीजिए, अगर आप यहां पर 0 करते हैं तो ये लिस्ट का पहला एलिमेंट प्रिंट करके देगा, यानी कि आप यहां से ये पता लगा सकते हैं कि जो लिस्ट की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और आपके टोटल कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट है ना, तो यानी कि 0 से लेके 6 तक इंडेक्स रहेगा, राइट। तो अगर आप ए 0 प्रिंट करा रहे हैं इसका मतलब वो 10 प्रिंट करने वाला है, राइट। और अगर यहां पर आप 3 करते हैं तो इसका मतलब है 0, 1, 2, 3 यानी कि आपको मिलने वाला एलिमेंट 40 है, राइट। और अगर आप यहां पर 6 करते हैं तो आपको लास्ट एलिमेंट मिलने वाला है, राइट। और अगर आप यहां पर 7 कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, तो आपको एरर मिल गई, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि 7th इंडेक्स पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, राइट। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आप यहां पर -1 करते हैं, राइट, -1 करते हैं इसका मतलब होता है कि आप इंडेक्सिंग लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, उस केस में भी आपको ये 70 देगा, राइट। देखिए 70 आंसर आ गया। अगर आप यहां पर -2 करते हैं तो ये आपको सेकंड लास्ट एलिमेंट देगा, राइट। -3 करेंगे तो लास्ट से थर्ड एलिमेंट देगा, यानी कि 50 देगा, राइट। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहां पर आप करते हैं 2:5, राइट। अगर आप यहां पर इस तरीके से लिखते हैं 2:5, यानी कि ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक के एलिमेंट प्रिंट करेगा, यानी कि 0, 1, 2 मतलब 30 से लेके 50 तक प्रिंट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 इंक्लूड नहीं होगा, 2 तो इंक्लूड होगा लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा, राइट। यानी कि 2 मतलब 0, 1, 30, फिर 3 मतलब 40, फिर 4 मतलब 50, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब 60 नहीं प्रिंट करेगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 30, 40 एंड 50, राइट। 60 इंक्लूड नहीं करेगा, यानी कि 5th इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। देखिए 30, 40, 50। अच्छा, अगर मान लीजिए ये 5 आप नहीं लिखते हैं और 2 करके लिख देते हैं, राइट, तो ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स से लास्ट तक के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा, यानी सेकंड इंडेक्स कौन सा, 30 से 0, 1, 2 है ना, 2 पे इसको क्या मिल रहा है, 30, तो 30 से लेके लास्ट तक के सारे एलिमेंट ये प्रिंट कर देगा, राइट। रन करा लीजिए, देखिए 30 से लेके 70 तक के सारे एलिमेंट इसने प्रिंट कर दिए, राइट। अच्छा, वहीं पे अगर यहां पर आप मान लीजिए 5 कर देते हैं और स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, कॉलन करके 5 लिख देते हैं, तो यानी कि ये क्या करेगा, ये बिगनिंग से लेके फोर्थ इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, राइट। यानी कि 10 भी प्रिंट करेगा, 20 भी प्रिंट करेगा, 30 भी प्रिंट करेगा, 40 भी प्रिंट करेगा, 50 भी प्रिंट करेगा, लेकिन 60 नहीं करेगा,
क्योंकि 60 का इंडेक्स क्या है 5। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 कर दिया, राइट। अच्छा अगर आप यहाँ पर -3, -1 कर देते हैं सपोज, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये कहां तक चलेगा। -3 मतलब लास्ट से थर्ड इंडेक्स यानी कि 50, ठीक है, 50 से स्टार्ट करेगा और कहां तक चलेगा, -1 इंक्लूड होगा नहीं होगा, यानी कि 70 को इंक्लूड नहीं करेगा, 50 और 60 ही देगा रिजल्ट, राइट। देखिए 50 और 60 अगर आप यहां पर -4 कर देते हैं, राइट, तो लास्ट से 4 यानी कि 40 तक पहुंचेगा, 40 से लेके 60 तक देगा, लेकिन 70 को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 70 का इंडेक्स -1 है, राइट। तो रिजल्ट आएगा 40, 50 एंड 60, राइट। और अगर यहां पर -2 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ये 60 को भी हटा देगा, यानी कि 40 और 50 रिजल्ट आने वाला है अब आपका। तो आई थिंक आप इंडेक्स के बारे में समझ गए होंगे, कैसे आप निगेटिव इंडेक्स का यूज करते हैं, कैसे आप पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करते हैं, कैसे आप स्टार्टिंग से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट प्रिंट कराते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से लास्ट तक के सारे एलिमेंट कैसे प्रिंट कराते हैं, या किसी पर्टिकुलर रेंज के एलिमेंट कैसे प्रिंट कराते हैं, या लिस्ट के सारे एलिमेंट कैसे प्रिंट कराते हैं, या लिस्ट के एक एक एलिमेंट आप कैसे प्रिंट कराते हैं, इतनी सारी चीजें आपने सीखी, राइट। और सबसे बड़ी बात, आपने एक सिंगल वेरिएबल का यूज करते हुए मल्टीपल डेटा स्टोर करने का कॉन्सेप्ट भी सीखा, राइट। अब कुछ और चीजें बताते हैं आपको इसी के बारे में। देखिए आप चाहें तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर कराएं, आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, आप बूलियन टाइप की वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। सपोज आपने बी नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें कुछ स्ट्रिंग्स स्टोर करा ली आपने, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर समथिंग समथिंग, मान लीजिए 3 एलिमेंट आपने स्टोर करा लिए। अब आप यहां पर प्रिंट करा रहे हैं B की वैल्यू, राइट, तो ये आपको तीनों स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखा देगा, राइट। इसको कमेंट में नहीं किया है इसलिए इसको भी वो डिस्प्ले करा रहा है। और अगर आप यहां पर B1 कर देते हैं, राइट, तो ये केवल आपको एक्स वाई जेड प्रिंट करके दिखाएगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर क्या एलिमेंट है उसको प्रिंट करा के दिखाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि लिस्ट की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। अगर बी 0 करते तो ए बी सी आता, लेकिन आप बी 1 कर रहे हैं इसलिए आपको एक्स वाई जेड मिलने वाला है, और अगर बी 2 करेंगे तो आपको पी क्यू आर मिलेगा। लेकिन अगर आपने वहीं पर बी 3 कर दिया तो लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स की एरर आ जाएगी, राइट। तो अभी आपको एक्स वाई जेड मिलने वाला है, राइट। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी भी आप समझ लीजिए। पहली बात तो आप लिस्ट के बारे में ये तो समझ ही गए होंगे कि ये एक ऑर्डर्ड टाइप का डेटा स्टोर करता है, राइट, यानी कि इस ऑर्डर पे ये एलिमेंट है, इस ऑर्डर पर ये एलिमेंट है ना, कि ए 0 पे 10 है, ए 1 पे 20 है, यानी कि एक तरीके से ऑर्डर्ड है ना, तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं, राइट। दूसरी चीज इसके आइटम्स को या एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है, तो इसलिए हम लिस्ट को बोलते हैं चेंजेबल, ठीक है। तो यानी कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, सपोज ए 3 यानी कि 0, 1, 2, 3 यानी कि 40 की वैल्यू हमने यहां पर कर दी मान लीजिए 90, राइट, और अब हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं ए की वैल्यू, राइट, इसको कमेंट में कर देते हैं। तो देखिए अब जो लिस्ट आपकी पहली थी ए नाम की, उसमें अब 40 एलिमेंट की जगह 90 आ जाएगा, राइट। देखिए 40 चला गया, अब 90 आ गया, इसका मतलब है कि हम लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो दो प्रॉपर्टी आपने सीखी, एक तो पहली चीज ये ऑर्डर्ड होती है, दूसरी चीज इसको चेंज किया जा सकता है, और तीसरी चीज ये है कि देखिए इसमें एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या कहा, यहाँ पर हमने 20 को रिपीट कर दिया, राइट, तो देखिए
एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं लिस्ट में, देख रहे हैं 20 दो बार आ गया, राइट। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आपको जानना है कि इस समय लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेन ऑफ ए, राइट। रन करा लीजिए, तो देखिए टोटल आपके 8 एलिमेंट्स हैं लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में? ए लिस्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। देखिए इंडेक्स अलग चीज है और लेंथ यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स वो एक अलग चीज है। देखिए लेन आपको बता रहा है कि उस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, राइट। हमने आपसे कहा था इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन कितने एलिमेंट हैं वो एक अलग केस हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लेंथ भी निकाल सकते हैं। अच्छा अब हमने इंटीजर टाइप की भी बात कर ली, स्ट्रिंग टाइप की भी बात कर ली, अब जरा बात कर लेते हैं बूलियन टाइप की। मान लीजिए सी नाम का एक हमने वेरिएबल लिया और यहां पर हमने ट्रू कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स, इस तरीके से हमने एक और लिस्ट बना ली। अब प्रिंट करा लीजिए सी को। तो देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, राइट। तो आप चाहे तो लिस्ट में बूलियन टाइप की वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, और यही नहीं आप चाहे तो इसमें मिक्स्ड डेटा भी स्टोर करा सकते हैं। कैसे वो भी समझ लीजिए। एम आई एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए 1, 5, 7, by, 12, true, good, राइट। तो हम चाहें तो इसको मिक्स्ड डेटा टाइप का भी बना सकते हैं, राइट। हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर करा ली, हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी स्टोर करा ली, हमने बूलियन टाइप की वैल्यू भी स्टोर करा ली, और आप चाहें तो यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, 6.5, 8, राइट। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करा लें मिक्स को, राइट, तो ये आपके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, देख रहे हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू भी लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं, राइट। अच्छा ये तो एक तरीका हुआ कैसे आपने लिस्ट क्रिएट करी। आप चाहे तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, राइट। सपोज आपने एल आई नाम की एक लिस्ट बनाई और यहाँ पर आपने LIST लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करा, और इसमें ध्यान रखिए डबल ब्रैकेट लगेंगे, राइट। अब आप इसमें एलिमेंट लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने माउस कॉमा कीबोर्ड कॉमा स्कैनर, राइट। तो इस तरीके से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेथड आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टर, ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट करा लीजिए LI, राइट। अब इसको रन करा लीजिए, तो देखिए ये प्रीवियस आउटपुट भी दिखा रहा है, इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। अब रन करा लीजिए, तो देखिए माउस कीबोर्ड स्कैनर ये भी आपका
एक तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का, राइट। और हमने आपको बताया था कि जब भी आपको ना समझ में आए कि ये किस डेटा टाइप का है, तो आप क्या करें, प्रिंट करा लें, टाइप फंक्शन का यूज़ कर लें, और जिसका भी आप टाइप देखना चाहते हैं उसको इसमें पास कर दें। तो ए किस टाइप की है वो आपको बता देगा, राइट। बी किस टाइप की है वो आपको बता देगा, सी किस टाइप की है वो आपको बता देगा, और मिक्स किस टाइप की है वो आपको बता देगा, और एल आई किस टाइप का है वो आपको बता देगा। देखिए यहाँ पर एल आई कर लीजिए और बाकी को आप कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि बाकी को आपने अभी कमेंट में कर रखा है, राइट। तो एल आई किस टाइप का है वो आपको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो एल आई क्या है टाइप, लिस्ट टाइप का है, राइट। देखिए आप क्या करें, आप इसको अनकमेंट कर दीजिए और यहाँ पर मिक्स कर लीजिए, तो ये मिक्स का भी टाइप बता देगा आपको, राइट। इसी तरीके से आप इसको अनकमेंट कर लीजिए और यहाँ पर सी कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, राइट। इसको अनकमेंट कर लीजिए, इसको अनकमेंट कर लीजिए, और ए तो अनकमेंट है ही, एफ फाइव कर लीजिए। तो देखिए सभी किस टाइप के हैं, लिस्ट टाइप के, राइट। तो ये तरीके हैं आप कैसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उस लिस्ट के कुछ आइटम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अब इसको कमेंट कर देते हैं, अब देखिए, अब अगर आप किसी लिस्ट में कोई आइटम चेक करना चाहते हैं है या नहीं, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक्स वाई नाम का एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल्स टू कर लिया, और यहां पर लिख दिया माउस इन एल आई, राइट, और प्रिंट करा लिया एक्स वाई की वैल्यू, राइट। रन करा लीजिए, इसको कमेंट में कर लीजिए, अब इसको रन करा लीजिए, राइट। तो देखिए ट्रू प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि माउस जो है वो आपकी लिस्ट में है, राइट। अगर हम इसमें कुछ और चेंज कर देते हैं माउस वन, तो ये आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। देखिए फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि माउस वन नाम का कोई भी आइटम हमारी एल आई लिस्ट में नहीं है, राइट। अब इसी को आप इफ कंडीशन में भी चेक कर सकते थे। यहां पर सपोज आपने इफ लगा दिया, माउस इन एल आई कर दिया, और जो भी आप मैसेज देना चाहें वो मैसेज दे दें। सपोज आपने लिखा यस, माउस इज इन द लिस्ट, ये आपने मैसेज दे दिया, रन करा लीजिए, राइट। क्यों आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर माउस बंद कर दिया है, तो इसको हम माउस कर लें, अब रन कराएं, तो देखिए यस माउस इज इन द लिस्ट, राइट। अब जरा एक चीज और चेक कर लीजिए, एम स्मॉल में कर लीजिए, अब क्या रिजल्ट देता है, देखिए, समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, केस सेंसिटिव है, राइट। स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों को डिफरेंट ट्रीट करता है, राइट। जब आप माउस ऐसे लिखते हैं तब तो दिखाता है मैसेज, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देता है। इसको भी कमेंट में कर लेते हैं। अब देखिए जो आपकी एल आई लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, तीन, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। मान लीजिए कीबोर्ड की जगह आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, राइट, तो आप क्या करेंगे, एल आई और उसका इंडेक्स कितना है, वन, इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपने कर दिया यहां पर माइक, राइट। अब यहां पर प्रिंट करा रहे हैं एल आई की वैल्यू,
अब इसको रन करा लीजिए, तो देखिए कीबोर्ड की जगह क्या आ गया, आपका माइक आ गया, राइट। अब मान लीजिए एक साथ कई सारे एलिमेंट अगर इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तब क्या करें, राइट। तो अगर मान लीजिए आपने क्या कहा, अब आप चाहते हैं एल आई, राइट, 0 1 2 है, ठीक है, आप चाहते हैं 1:2, राइट। एक काम करिए इसमें एलिमेंट और बढ़ा लीजिए, मान लीजिए यहां पर कीबोर्ड कर लीजिए, राइट। अब देखिए 1:2 कर रहे हैं, क्या 2 इंक्लूड होगा, नहीं होगा ना, तो 0 1 2 3, राइट। आप केवल 1 में एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं और आपने यहां पर लिखा जॉयस्टिक, राइट, 1:2 किया है, देखिए जॉयस्टिक किया आपने, और अब आप प्रिंट करा रहे हैं यहां पर एल आई की वैल्यू। सोचिए रिजल्ट क्या आएगा, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि रिजल्ट क्या आएगा। एल आई 1:2 इज इक्वल टू जॉयस्टिक कर दिया है, देखिए 1 इंक्लूड है, हाँ है, क्या 2 इंक्लूड है, नहीं है, और कितने एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं आप, 1, तो 1 पर क्या है आपका कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की जगह क्या हो जाना चाहिए, जॉयस्टिक। क्या बाकी पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, रन करा लीजिए, राइट। देखिए कोई इफेक्ट नहीं आया, केवल जॉयस्टिक आपका कीबोर्ड की जगह आ गया, राइट, क्यों, क्योंकि कीबोर्ड 2 बार रिपीट हो गया था, इसलिए हमने उसकी जगह जॉयस्टिक कर दिया, राइट। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1:3 कर रहे हैं, तो कितने एलिमेंट ले रहा है ये, 2 एलिमेंट कह रहा है इनपुट कराने के लिए, राइट। और सपोज आप यहाँ पर 2 एलिमेंट इनपुट करा देते हैं, कौन कौन से, मान लीजिए प्रिंटर करा देते हैं, राइट, और यहाँ पर मॉनिटर करा देते हैं, राइट, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर और सेकंड इंडेक्स पर आपका प्रिंटर और मॉनिटर इंसर्ट हो जाएगा और बाकी एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। यानी कि आपका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आना चाहिए, वीडियो को फिर से पॉज करिए, सोचिए 1 मिनट और फिर अपना आंसर लिखिए और फिर आगे वीडियो को बढ़ाइए, देखिए क्या आपने जो आउटपुट लिखा था वो सेम आउटपुट आ रहा है। देखिए अब समझ लीजिए आउटपुट क्या आएगा, फिर हम लोग इसको रन करा के भी देख लेंगे। 1 और 2 इंडेक्स पर प्रिंटर और मॉनिटर इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अभी देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, कीबोर्ड, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है, स्कैनर, राइट। और अब आप इसको रन कराइए, अब आउटपुट देखिए क्या आ गया, प्रिंटर और मॉनिटर, राइट, यानी कि इसने किसको किनको हटा दिया, जॉयस्टिक और स्कैनर को, राइट, क्योंकि अब आपकी लिस्ट क्या बन गई थी, इसको अनकमेंटेड कर लीजिए ताकि आपको रिजल्ट फिर से दिखने लगे, राइट। देखिए जो आपकी लिस्ट थी उसमें 4 एलिमेंट थे, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कीबोर्ड, राइट, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया है तो इसलिए वो चीज़ नहीं अपडेट होगी, तो आपकी लिस्ट क्या बनेगी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कीबोर्ड, राइट। अब हमने यहाँ पर क्या करा, 1:3 यानी कि 1 और 2 इंडेक्स पर प्रिंटर और मॉनिटर को इससे रिप्लेस करा दिया, यानी कि कीबोर्ड और स्कैनर आपके रिप्लेस हो जाएंगे और माउस और कीबोर्ड एज इट इज बने रहेंगे, राइट। अब रन करा लीजिए, राइट, तो देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कीबोर्ड, ये आपका प्रीवियस आउटपुट था, लेकिन अब आपने क्या करा, कीबोर्ड की जगह प्रिंटर और स्कैनर की जगह मॉनिटर को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आप लिस्ट में चेंजेस ला सकते हैं। अब एक और चीज देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर आप लिस्ट में रेंज क्या ले रहे हैं, 1:3 यानी 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, राइट। और मान लीजिए यहाँ पर आइटम का नाम चेंज कर दीजिए, सीपीयू कर दीजिए सपोज, ताकि आपको रिजल्ट में चेंज दिखाई दे, यहाँ पर पीडी कर दीजिए, राइट, अच्छा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बोल तो रहे थे कि 2 आइटम हमें चेंज करने हैं, लेकिन आप उसको दे 1 ही आइटम रहे, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको देने थे 2 आइटम, लेकिन आपने दिए कितने आइटम, 1 आइटम, यानी कि आपको
फर्स्ट इंडेक्स पे तो कीबोर्ड की जगह ये सीपीयू कर देगा, लेकिन स्कैनर को गायब कर देगा, राइट? क्योंकि उस पर आपने कुछ भी आइटम दिया ही नहीं, तो स्कैनर को ये यहाँ से हटा देगा। आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? माउस, सीपीयू और कीबोर्ड, स्कैनर यहाँ से गायब हो जाएगा, राइट? अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप पहले तो देखिए इसको ऐसे रन करा के देख लीजिए, देख रहे हैं इस तरीके से। और अगर आपको कीबोर्ड में कंफ्यूजन आ रहा है तो आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, केवल मदरबोर्ड कर दीजिए, राइट? अब आउटपुट देख लीजिए, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं, मदरबोर्ड यानी कि स्कैनर की जगह को ये डिलीट कर दे रहा है, राइट? दो आइटम इंसर्ट करने चाहिए थे, आपने एक ही आइटम दिया तो स्कैनर को गायब कर दिया और बाकी को एज इट इज इसने बना रहने दिया, राइट? तो इस तरीके से आप लिस्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि अब आप रिप्लेस नहीं करना चाहते, मतलब समझ रहे हैं, अब आप किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं करना चाहते बल्कि इंसर्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, राइट? यानी कि अभी जो आपकी लिस्ट है उसमें क्या क्या है? माउस है, कीबोर्ड है और मदरबोर्ड है, क्या यही है? नहीं, माउस है, सीपीयू है और मदरबोर्ड है, राइट? यही तो है, देखिए फाइनल लिस्ट, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं, राइट? अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये हमारी लिस्ट है, अब हम कीबोर्ड के बाद एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, ना कि रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमारी लिस्ट का नाम क्या है? li, तो li.insert, और किस इंडेक्स पे करना चाहते हैं? सेकंड इंडेक्स पर, यानी कीबोर्ड के बाद ना 2 कर दिया, इंडेक्स दे दिया, और क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? वो उस आइटम का नाम लिख दिया, सपोज मॉनिटर करना चाहते हैं, राइट? अब यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए li की वैल्यू, या फिर एक काम करिए इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, रन करा लीजिए। तो देखिए अब ये रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि एक आइटम सेकंड इंडेक्स पर और इंसर्ट कर देगा। देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मदरबोर्ड, ये चार आइटम आपके पहले से थे, अब आपका मॉनिटर सेकंड इंडेक्स पर इंसर्ट हो गया और बाकी एलिमेंट एज इट इज बने रहे, है ना? इंडेक्स उसका चेंज हो गया, 2 पे था वो 3 पे पहुंच गया, 3 पे था वो 4 पे पहुंच गया, राइट? अच्छा, अब एक और फंक्शन है, उसका नाम है अपेंड, राइट? देखिए अगर मान लीजिए आपको लिस्ट में कोई आइटम इंसर्ट करना है लेकिन लास्ट में, तो आप अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, li.a++append, अपेंड करा लीजिए और जो भी आइटम करना चाहें यहाँ पर आपको इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कर लिया सीपीयू कर लीजिए, राइट? और इसको कमेंट में डाल दीजिए और पेस्ट कर लीजिए li को, है ना? तो देखिए अब ये क्या करेगा, अब ये सीपीयू को और ऐड करा देगा आपकी लिस्ट में, लेकिन कहाँ? सबसे लास्ट में। तो ये होता है अपेंड का काम। देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मदरबोर्ड, ये तो था ही आपका ऑलरेडी, और सीपीयू और अपेंड करा दिया इसने लास्ट में, राइट? देखिए ये लिस्ट पहले की प्रिंट कर रहा है वो, है ना? इसको चाहे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब मान लीजिए अब आपको एक आइटम नहीं अपेंड कराना है, आपको कई सारे आइटम एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में अपेंड कराने हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई RR नाम से और यहाँ पर दे दिया आपने 1, 2, 3, 4, 5, राइट? और एक QQ नाम की लिस्ट बनाई आपने जिसमें आपने
हेलो बाय। मान लीजिए ये दो आइटम आपने चाहा कि हम आरआर जो लिस्ट है उसमें क्यूक्यू के एलिमेंट को एक्सटेंड करा दें, राइट। तो आप क्या करेंगे, जिसमें आपको एक्सटेंड कराना है पहले आप वो लिखेंगे आरआर डॉट एक्सटेंड, राइट, और यहां पर लिख देंगे क्यूक्यू, राइट। और देखिए यहां पर प्रिंट करा लीजिए आर आर की वैल्यू, और यहां पर प्रिंट करा लीजिए क्यू क्यू की वैल्यू, और यहां पर फिर से प्रिंट करा के चेक कर लीजिए, राइट। अब इसको रन करा लीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 था, हेलो बाय था, राइट, और उससे पहले वो प्रीवियस आउटपुट प्रिंट कर रहा है, राइट। देखिए आरआर में वैल्यूज क्या थी, 1 2 3 4 5, और क्यूक्यू में एलिमेंट क्या थे, हेलो और बाय, राइट। आपने दोनों को प्रिंट करा लिया, उसके बाद आपने एक्सटेंड करा लिया आरआर में क्यूक्यू को, राइट। तो देखिए पहले आप आरआर प्रिंट करा रहे हैं तो उसमें ये दोनों एलिमेंट अपेंड हो गए हैं, राइट, और क्यूक्यू वैसा ही बना हुआ है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट के आइटम्स को दूसरी लिस्ट में एक्सटेंड भी करा सकते हैं, राइट। और देखिए एक चीज आपको और बता दें खास बात, कि आप एक्सटेंड केवल लिस्ट के साथ लिस्ट को ही नहीं करा सकते, आप बाकी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को इसके साथ एक्सटेंड करा सकते हैं। एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको, सपोज आपने क्या कहा, यहाँ पर आपने एफ नाम का एक टपल ले लिया आपने सपोज, और यहाँ पर आपने ए कॉमा बी कॉमा सी, ये एफ नाम का टपल ले लिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो एफ के एलिमेंट हैं वो जो क्यू क्यू लिस्ट है उसके साथ अपेंड हो जाएं, यानी कि आप चाहते हैं क्यू क्यू डॉट ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड और एफ कर दिया आपने, राइट, और अब आपने प्रिंट करा लिया यहां पर क्यू क्यू को, राइट। अब हम काम करते हैं, इन सबको कमेंट में डाल देते हैं, रन करा लीजिए। तो देखिए हेलो बाय एबीसी आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं, राइट। तो ये तो कहानी रही आपकी इंसर्ट करने की, अब कुछ रिमूव भी करके देख लेते हैं, लिस्ट में से कुछ आइटम रिमूव भी करके देख लेते हैं। तो सपोज आपने ए लिस्ट ली जो आपने स्टार्टिंग में ली थी, राइट, आप चाहते हैं कि इसमें से 40 को गायब कर दिया जाए, राइट। चाहे तो आप यहां पर प्रिंट करा लीजिए पहले ए की वैल्यू, इन सबको कमेंट कर देते हैं, इन सबको भी कमेंट, जिसकी जरूरत होगी केवल उसको हम लोग अनकमेंट कर लेंगे। राइट, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और इसको हम कमेंट में डाल देते हैं, और नीचे ही हम इसको लिस्ट को ले आते हैं, राइट। तो ये आपकी लिस्ट हो गई। अब सपोज आप 50 को रिमूव करना चाहते हैं, राइट, तो आपने क्या कहा, ए डॉट आर ई एम ओ वी ई रिमूव कर दिया, किसको रिमूव करना चाहते हैं, मान लीजिए 40 को, राइट, और इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट कर लीजिए। तो देखिए पहले तो आपके सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा,
और दोबारा वाले में आपको 40 रिमूव कर देगा। देख रहे हैं, सेकंड वाले प्रिंट स्टेटमेंट में इसने 40 को रिमूव कर दिया, राइट। अब अगर आप लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, राइट, तो आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि आप यहां पर ए डॉट पॉप फंक्शन का यूज कर लें, राइट, और यहां पर प्रिंट करा लीजिए ए की वैल्यू। तो जब पॉप में कोई भी इंडेक्स नहीं देंगे तो वो हमेशा सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा, पॉप कर देगा, राइट। यानी कि अब इस लिस्ट से लास्ट वाला 20 रिमूव होने वाला है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कराना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको तो कमेंट कर दीजिए, राइट, और यहां पर कर दीजिए प्रिंट ए डॉट पॉप, राइट। तो ये सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप करा के दे देगा। रन करा लीजिए तो 20 आपको रिजल्ट में मिलने वाला है। देख रहे हैं, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। और सपोज अगर आप यहां से 20 को रिमूव कर देते हैं तो सबसे लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 70, राइट। अच्छा, ये तो तब है जब आप कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉप कराना चाहते हैं, सपोज आप 50 को पॉप कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर आप यहाँ पर पॉप में 4 पास कर देते हैं तो ये आपका 50 को पॉप करा देगा, अब 70 नहीं आएगा, राइट। देखिए 50 पॉप हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई पॉप की। अब सपोज आप रिमूव करने के लिए एक और कीवर्ड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है डेल, राइट, यानी कि डिलीट करना। अब आपकी जो लिस्ट है वो है ए नाम की, और आप कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। देखिए, अगर आप यहां पर अभी भी प्रिंट ए कराएंगे, राइट, देखिए मान लीजिए आपने क्या कहा कि हम यहाँ से इसको कमेंट को हटा देते हैं, राइट, इस पर से भी कमेंट हटा देते हैं, और अब यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं ए की वैल्यू, राइट। तो फोर्थ इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट था, 50 ना। अब देखिए 50 रिमूव हो चुका होगा, अब आप इसको प्रिंट कराइए, तो देखिए 50 आपकी लिस्ट से रिमूव हो गया, राइट। और अगर मान लीजिए आप कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं, अब आप प्रिंट कराइए, तो देखिए लास्ट वाला एलिमेंट पॉप हो गया, राइट। तो ये ध्यान रखिए, अब आपने क्या कहा कि अब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे डेल कीवर्ड का, और ए किस आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, आप सपोज 40 को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो कौन से इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पर। तो आपने डेल ए 3 कर लिया और प्रिंट करा लिया ए को, राइट, रन करा दीजिए। तो देखिए पहले आपकी लिस्ट थी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, अब इसने 40 को डिलीट कर दिया, राइट। लेकिन अगर आप मान लीजिए डेल ए लिख देते हैं, यानी कि डेल कीवर्ड का यूज करते हैं और लिस्ट का नाम पास कर देते हैं, तब क्या होगा, तब ये पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी, राइट, देख लीजिए, और फिर प्रिंट ए नहीं दिखाएगा, एरर दिखाएगा, देख रहे हैं, यानी कि नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आप तो उसको पहले ही डिलीट कर चुके हो, तब वो कहां से एग्जिस्ट करेगी, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ए इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, देखिए डिलीट करना और क्लियर करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए डेल ए किया
तब तो ये आपको एरर जनरेट कर रहा था क्योंकि आपने वो लिस्ट ही पूरी डिलीट कर दी। लेकिन ए डॉट क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं राइट, तो ये आपको एरर नहीं देगा बल्कि एम्प्टी लिस्ट जनरेट कर देगा राइट, यानी कि लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। देख रहे हैं लिस्ट आपकी खाली हो गई लेकिन एग्जिस्ट करती है राइट, जबकि डिलीट करने पे वो मेमोरी से ही डिलीट हो जाती है राइट। तो ये फर्क है डिलीट करने में और क्लियर करने में। क्लियर करने से उसके आइटम क्लियर हो जाएंगे राइट, लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट करेगी। और डिलीट करते समय अगर आपने इंडेक्स का यूज किया तो केवल वो पर्टिकुलर इंडेक्स पर आइटम ही डिलीट होगा, लेकिन अगर आपने इंडेक्स का यूज नहीं किया, लिस्ट का नाम पास कर दिया, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी राइट। और फिर अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो वो नॉट डिफाइंड का मैसेज देगा, एरर देगी ठीक है, क्योंकि वो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी राइट। दोनों को कमेंट कर दीजिए। आप जान ही गए हैं कि फॉर लूप से आप कैसे प्रिंट कराते हैं, फॉर आई इन ए राइट, प्रिंट करा लीजिए आई की वैल्यू, तो ये सारे आइटम प्रिंट करा देगा लेकिन हर आइटम को न्यू लाइन पर प्रिंट कराएगा राइट। रन करा लीजिए राइट। अब इसी को आप वाइल लूप से भी प्रिंट करा सकते हैं, वो कैसे वो भी देख लीजिए। आपको पता है कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। आप यहाँ पर चला लीजिए वाइल। अब आपको यहाँ पर ये चलाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ तक चलाना है, आप क्या काम करें आई इज लेस देन एल ई एन लेन फंक्शन का यूज कर लीजिए और पास कर दीजिए ए राइट, तो ये बता देगा लेंथ कितनी है। तो कितनी लेंथ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट, 7 लेंथ है, यानी कि 0 से लेके 6 तक चलेगा। और यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए आई की वैल्यू, आई की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू राइट। और यहाँ पर आई प्लस इक्वल्स टू 1 भी कर लीजिए, या आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आई में एक एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा, और कब तक करेगा, जब तक वो उस लिस्ट की लेंथ से छोटा रहेगा, और जैसे ही उस लेंथ के बराबर आ जाएगा वैसे ही वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप राइट। तो इस तरीके से भी आप एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं वाइल लूप की हेल्प से राइट। अच्छा, अब आप अपेंड फंक्शन के बारे में समझ गए, क्लियर फंक्शन के बारे में समझ गए, एक्सटेंड फंक्शन के बारे में समझ गए, इंसर्ट फंक्शन के बारे में समझ गए, पॉप फंक्शन के बारे में समझ गए, रिमूव फंक्शन के बारे में समझ गए राइट। अब देखिए एक फंक्शन और है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपी फंक्शन, वो क्या करता है, इसको कमेंट में कर लेते हैं। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं आप, बी इज इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी फंक्शन का यूज कर सकते हैं राइट, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी कर दो बी में और यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए बी की वैल्यू राइट। ए को तो हम ऑलरेडी प्रिंट करा ही रहे हैं, यहाँ पर हमने बी को भी प्रिंट करा लिया, रन करा लीजिए। तो देखिए ए के जितने भी एलिमेंट थे वो बी में भी कॉपी हो गए राइट। तो इस तरीके से आप कॉपी फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट रिपीट कर लेते हैं, मान लीजिए 30 फिर 40 कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर फिर से हमने 30 कर लिया राइट। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में 30 कितनी बार आया है राइट। देखिए लेन फंक्शन का काम अलग है, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहा था राइट। अब हम केवल ये देखना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर आइटम हमारी लिस्ट में कितनी बार आया है, ये काउंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं राइट। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए ए डॉट सी ओ यू एन टी, काउंट फंक्शन का यूज़ करिए और यहाँ पर उस एलिमेंट को पास कर दीजिए जिस एलिमेंट को आप काउंट करना चाहते हैं कि कितनी बार आया है। सपोज हम 30 को काउंट करना चाहते हैं राइट, और इसको रन करा लीजिए। तो देखिए 30 आपका 3 टाइम्स आया है राइट,
एक बार और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 30 कर लेते हैं, राइट। अब आउटपुट हमारा 4 आना चाहिए, देख रहे हैं 4 टाइम्स। लेकिन अगर हम ऐसा एलिमेंट काउंट कर रहे हैं जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस केस में क्या होगा? मान लीजिए हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं 300 को, राइट, तब देखिए क्या होगा। तो ये हमारा आउटपुट आएगा 0, यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता हो, राइट। अब देखिए, अब एक फंक्शन होता है इंडेक्स। मान लीजिए आप यहाँ पर लिस्ट का नाम ए है, ए डॉट इंडेक्स। मान लीजिए आप 50 का इंडेक्स देखना चाहते हैं, राइट, एंटर कर दीजिए। तो 50 कौन से इंडेक्स पे है? 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए 4th इंडेक्स आ गया, राइट। फिर से चेक कर लीजिए, ए डॉट इंडेक्स, 30 का इंडेक्स देख लीजिए कितना आना चाहिए, पहला जो एलिमेंट मिलेगा, राइट, 0, 1, 2। सपोज आप एक लिस्ट लेते हैं जीजी नाम की, और उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे लिख लेते हैं 1, 5, 7, 3, इस तरीके से सपोज लिख लेते हैं। और अब आप चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाए, राइट, तो आप क्या करेंगे, gg.reverse रिवर्स फंक्शन चला देंगे, राइट। अब gg को प्रिंट करा लीजिए, तो देखिए एलिमेंट रिवर्स हो गए, 1573 था, अब आपके एलिमेंट क्या हो गए, 3751। देखिए शॉर्टिंग में और रिवर्स में डिफरेंस है, रिवर्स में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, राइट, जो भी एलिमेंट होंगे उनको वो रिवर्स कर देगा, चाहे वो जिस फॉर्म में लिखे हों, असेंडिंग में लिखे होंगे, डिसेंडिंग में लिखे हों, या किसी भी ऑर्डर में लिखे हों, जस्ट उसको रिवर्स कर देगा। लेकिन जब शॉर्ट करते हैं तो वो भी देख लीजिए, ये लिस्ट थी आपकी, आपने क्या कहा, हम ए को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो ए डॉट SORT शॉर्ट कर दिया, राइट, और यहां पर प्रिंट करा लीजिए ए को। अब देखिए, अब इसको रन करा के देख लीजिए, तो क्या एलिमेंट शॉर्ट हो गए हैं, F5 कर लीजिए, तो देखिए जो आपके एलिमेंट थे वो 10, 20, 30, 40, 50, 30, 60, 70, 30, 40, 30 ये थे, और उसने शॉर्ट कर दिया, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, जब आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट करता है, 10, 20 और फिर जितने भी 30 वाले एलिमेंट आए थे उसको कर दिया, फिर 40 के जितने एलिमेंट आए थे उसको कर दिया, फिर 50, 60, 70 कर दिया। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं, राइट, तो आप सिंपल सा काम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लिख देंगे। अब प्रिंट करा लीजिए, तो देखिए इसने इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। अच्छा, एक और तरीका बताते हैं दो लिस्ट को मर्ज करने का, कैसे वो भी देख लीजिए। मान लीजिए ए एन नाम की एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 1, 2, 3 सपोज, राइट, और एक दूसरी लिस्ट है ए एम नाम की जिसमें एलिमेंट हैं 10, 20, 30, राइट। अब हम चाहते हैं ए वाई नाम की एक और लिस्ट बनाना, उसमें हमने क्या कहा, ए एन प्लस ए एम करा दिया, राइट। अब हम ए वाई को प्रिंट करा ले रहे हैं, तो देखिए इसने दो लिस्ट को मर्ज कर दिया, यानी कि ए एन के साथ ए एम को मर्ज कर दिया, राइट, और उसको हमने ए वाई में स्टोर। तो इस तरीके से भी आप दो लिस्ट को मर्ज करा सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। देखिए आप अपेंड फंक्शन को किस तरीके से यूज कर रहे थे, जब आपको एलिमेंट को लास्ट में अपेंड कराना हो, राइट, तो देखिए वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कैसे वो आपको बता देते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, इन दोनों लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, और इस लिस्ट को भी कमेंट कर देते हैं सपोज, राइट। हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं डब्लू डब्लू नाम से,
और यहाँ पर हम कर देते हैं कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, राइट। एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं वाई वाई नाम की, सपोज इसमें एलिमेंट हम लिख लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। अब हम चाहते हैं अपेंड कराना डब्लू डब्लू के साथ में वाई वाई के एलिमेंट को, तो देखिए अपेंड जो फंक्शन होता है वो तो एक एक एलिमेंट ही अपेंड करता है ना, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं फॉर आई इन, किसके एलिमेंट अपेंड कराने हैं वाई वाई के ना, तो हमने यहाँ पर वाई वाई कर लिया, यानी कि आई में क्या आएगा, हर बार वाई वाई के एक एक एलिमेंट आते जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डब्लू डब्लू डॉट अपेंड फंक्शन चला सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर देंगे आई पास कर देंगे, राइट। देखिए अब हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं डब्लू डब्लू को, राइट। यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए डब्लू डब्लू को और प्रिंट करा लीजिए यहाँ पर वाई वाई को, और यहाँ पर भी प्रिंट करा लीजिए वाई वाई को, राइट। तो देखिए वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर और एक्स वाई जेड, ये दो लिस्ट थी, फिर हमने अपेंड करा लिया वन टू थ्री फोर के साथ में एक्स वाई जेड को, राइट। और वाई वाई में तो एक्स वाई जेड ही रहेगा। तो आई थिंक आपने लिस्ट के बारे में काफी कुछ समझा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है किसी भी फंक्शन में किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट में, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।